हेलो दोस्तों, हमारे चैनल की और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग जो गांव में रहते हैं, अपने घर के आसपास जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे को देखने को मिलता है। उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते। आज के इस वीडियो में मैं आपको जिस पौधे के बारे में बताऊँगा, उसे जंगल में पाया जाता है, लेकिन इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते। स्थानीय लोग इसे कई सारे नाम से जानते हैं। इन फलों के बारे में बहुत से लोगों को अलग अलग विचार है। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर कोई इन फल को खा ले तो पागल हो जाएगा। हालांकि हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए इसको लेकर कई सारे अफवाह फैला हुआ है। आज मैं इस फल और उसकी पौष्टिक गुण के बारे में बताऊंगा। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि शहरों में फल कितना महंगा है और आपके इलाकों में इन फल को किस नाम से जाना जाता है, कॉमेंट्स में जरूर बताना। क्या आपने कभी सोचा है कि आधुनिक तकनीक की मदद से खेती के लिए तैयार होने के बाद इस फल को बाजार में ऊंचे दामों पर बेचा जाता है? दुनिया के 4 देशों में इस फल की खेती किया जाता है, साउथ अमेरिका, पेरू, यूरोप और कोलंबिया। लेकिन इसे कई सारे नामों से जाना जाता है। एक प्रकार की बेर की प्रजाति है, इसे गोल्डन बेर के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे शरीर के लिए भी काफी फायदेमंद है। भारत में इसे रसबेरी के नाम से जाना जाता है। इस फल का सेवन स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक होता है। ये पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ये डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहद ही फायदेमंद होता है। इसके सेवन से सेहत को कई सारे लाभ मिलते हैं। ये फल दिखने में काफी अजीब है, बड़े होने पर सुनहरे रंग की हो जाते हैं और इसका स्वाद भी बहुत मीठे है। ये दिखने में काफी खूबसूरत है। इसे लाल, पीला, नारंगी ऐसे कई रंगों में पाया जाता है। ये दिखने में किसी छोटे साइज के टमाटर की तरह लगते हैं। अब पूरी दुनिया में इसकी खेती किया जाता है और इसकी प्रोसेसिंग के लिए बड़े बड़े फार्म भी तैयार किया गया है। गोल्डन बेर की पौधा किसी बैंगन या फिर टमाटर की पौधे की तरह है। ये बहुत बड़ा नहीं हो सकता। इसकी पौधे 1 से 2 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। इस फल को उगाना बहुत ही आसान है, इसलिए इसकी खेती कहीं भी की जा सकती है। सबसे पहले मिट्टी को अच्छे से जोता जाता है, फिर जैविक खाद का छिड़काव किया जाता है। इसके बाद अच्छी तरह से इसे मिलाया जाता है। इसके बाद छोटे छोटे पौधे को मिट्टी पर लगाया जाता है। फर्टिलाइजर के तौर पर DAP और यूरिया की इस्तेमाल किया जा सकता है। छोटे अवस्था में कीड़े मकोड़े की हाथ से इसे बचाने के लिए कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि पौधे ठीक से बड़े हो सके। आमतौर पर इसकी खेती के लिए 13 से 18 डिग्री तापमान की जरूरत है। पौधे 1 मीटर के आसपास बड़े होने के बाद इस पर फूल खिलते हैं। फूल खिलने के कुछ ही हफ्तों के बाद इस पर फल उगते हैं। इसके एक पौधे में 150 से लेकर 1000 तक फल उग सकते हैं। लेकिन इस पौधे की तने और पत्ते बहुत ही कोमल है, बिल्कुल टमाटर की तरह, इसलिए इसे सपोर्ट की जरूरत है। सारे फलों को रस्सी से ऐसे बांधा जाता है ताकि वो जमीन पर गिर ना जाए। इसकी पेड़ की ब्रांचेस मखमली होता है और पत्ते दिल की आकार की होते हैं। इसकी खेती लगभग 6 महीने में ही हो जाती है, क्योंकि इसकी खेती के लिए आधुनिक तकनीक की मदद ली जाती है। इसके बाद है हार्वेस्टिंग। इसकी पौधा काफी नरम है और थोड़ा सा प्रेशर से टूट सकते हैं। इसके लिए इस फल को केवल हाथों से ही तोड़े जाते हैं। पक जाने के बाद यह फल पीला या फिर नारंगी रंग का होता है। ये काम काफी ध्यान से किया जाता है। कभी कभी फलों को छीलकर भी देखा जाता है कि क्या उन्हें तोड़ा जा सकता है या नहीं। यदि ये तोड़ने लायक हो जाते हैं तो ये सभी यहाँ से तोड़े जाते हैं और इस प्रकार की बाकेट में भरे जाते हैं। इसके बाद इन बाकेट को ट्रक की मदद से कारखाने में लाया जाता है। यहाँ इसकी पैकेजिंग की जाती है और इसके बाद इसे पूरी दुनिया में सप्लाई की जाती है। इसे प्रोसेस के लिए कई बड़े बड़े कारखाना बनाई गई हैं, जहां 100 से लेकर 1000 लोग काम करते हैं। अच्छे क्वालिटी की बेर को छोटे छोटे बॉक्स में पैक किया जाता है और इसे कई दिनों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जिससे और भी अच्छे से पक जाते हैं। आमतौर पर गोल्डन बेर की खेती यूरोप में सबसे ज़्यादा किया जाता है और हर साल इसकी खेती करके वो लोग लाखों डॉलर कमाते हैं। इसके अलावा अमेरिका और पेरू में भी इसकी खेती काफ़ी मात्रा में की जाती है। क्या आपको पता है कि इसकी कीमत क्या है? इसकी 1 किलो गोल्डन बेर की कीमत है लगभग $100 के आसपास, यानी कि ₹800।
आप बात करते हैं कि विदेशों में लोग इन्हें इतना ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं। इसे खाने से बहुत सारे बीमारियों से राहत मिलती है। इसमें शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट एंटोकार्सिनोजेनिक गुण है जो कैंसर के ट्यूमर को बनने से रोकता है। रसमलाई में विटामिन सी की अच्छी मात्रा होती है। यह शरीर की इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और सर्दी जुकाम जैसे बीमारियां आसानी से नहीं आती हैं। इसके सेवन से डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में किया जा सकता है। क्या आपको इस फल के बारे में पहले से पता था तो हमें आप कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी ऐसे देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर देना। ऐसे बस इन्फॉर्मेशन अनोन फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। गुड बाय।